बिल्ड क्वालिटी देखो, फील होता है भाई, गाड़ी एक बनाया फोक्सवैगन ने। तो हेलो वालों, मेरा नंबर अपन आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एआरपी। तो भाई बात कुछ ऐसा है कि मैं अभी कार लेके जस्ट निकला, थोड़ा सा मिथुनपुर जाना है मेरे को काम के लिए। बेसिकली मेरा जो दादा है उसका लड़का हुआ है, कंग्रेचुलेशन बोलिए, तो उसको लेके ही जाना पड़ेगा थोड़ा सा डॉक्टर के पास। तो मैं सोचा क्यों ना आज ये वीडियो कर लिया जाए कि क्यों मैं ये फोन वोक्सवैगन चूज़ किया। बताते हैं भाई, बहुत गर्मी है कसम से बोल रहा हूँ। फास्ट मैं शुरू करता हूँ भाई कार लेने का, मतलब कार लेने का कोई अभी टाइम नहीं था कि अभी कार लेंगे हम, ये ठीक नहीं था। पर अचानक से क्या हुआ कि मेरे को सडन गणेश भैया का पोलो देखा, और देखो पोलो में देखा ये बात सही है, पर पोलो क्या है मेरे लिए बहुत पहले से मेरे को पता है, क्योंकि एमएस के ब्लॉग्स जो है उनका पोलो में फर्स्ट टाइम देखा था। उसके बाद वीडियो वगैरह सब कुछ देखा, पोलो क्या है, पोलो किस कंपनी का है, सारा कुछ मैंने चेक किया। तो बाद में पता चला कि पोलो वोक्सवैगन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है फोक्सवैगन, जर्मन टेक्नोलॉजी है तो फोक्सवैगन ही होता है बेसिकली। तो फोक्सवैगन पोलो जो कि मेरा 1.2 लीटर डीजल इंजन, मेरे को कुछ भी अगर डीजल इंजन मेरे को बेसिकली चाहिए था डीजल में, तो अगर डीजल के अलावा अगर पेट्रोल भी होता तो भी मैं रख लेता, पर पेट्रोल में दिक्कत क्या है ना भाई, बहुत पीती है, मतलब खून पीती है जैसे बोलते हैं, जो कि डीजल, और डीजल में पावर भी ज़्यादा है नीचे देखा जो कुछ टॉर्क वगैरह सब कुछ कंपेयर करके। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना ले ही लिया जाए एक डीजल, बहुत गर्मी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ले ही लिया जाए अब। तो बहुत ढूंढा मैं, बहुत मतलब हद से ज़्यादा, घर में बोला, पापा ने बोल दिया था कम्प्लीटली कि कार तेरे को नहीं मिलने वाला, ठीक है अभी तो कार नहीं मिलेगा, कार लेने का जो टाइम है वो अभी लेट है, तो कार अभी तो तुमको नहीं दे सकते हम लोग, तो कार तो भूल ही जाओ। मैं बोला ठीक है क्या ही करें अब, जब पापा ने मना कर दिया तो फिर मेरा दिल कसम से बोल रहा भाई टूट चुका था। और मैं तभी ऐसे फेसबुक में ढूंढ रहा था, तब मेरे को मिला पोलो TDI 1.2 लीटर जो कि अमन भाई का था। अमन भाई देखो पर्सनली तो मैं उनको नहीं जानता, पर मतलब बातचीत हुआ, अच्छा बंदा, जेन्युइन सारा कुछ बोला मेरे को, जेन्युइन से क्या क्या काम है, क्या क्या काम नहीं किया, सारा कुछ मेरे को बोला डिटेल में। तो बाद में मेरे को पता चला कि गाड़ी एकदम मस्त वाला है, ठीक है बॉडी का कंडीशन थोड़ा सा, मतलब कोलकाता का गाड़ी थोड़ा टच वगैरह बम्पर का से, बाकी जो स्क्रैच वगैरह देख रहे हो वो मेरे से हुआ है भाई, समझ आता हूँ उससे मेरे से हुआ है वो। तो मैं जिधर रहता हूँ बहुत गंदा वाला सीन है उधर का, तो मेरे से हुआ तो मैं मानता हूँ। बाकी इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है मॉडिफिकेशन बहुत गदर तरीके से करेंगे, पूरा हुलिया इसका बदल दूंगा मैं कसम से बोल रहा हूँ। तब आप बोलोगे कि हाँ एआरपी ने बोला था गाड़ी कुछ बनाएगा तो बना के दिखा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कार चूज़ किया, मैं जब चूज़ किया तो कुछ तो सोच के किया होगा मैं, तो इसीलिए मैंने पोलो लिया। और सेकंड थिंग देखो, पोलो का जो परफॉर्मेंस है ना कोई गाड़ी नहीं दे सकता कसम से बोल रहा हूँ, जर्मन टेक्नोलॉजी है, इसका पावर अगर आप फील करना चाहते हो ना, मतलब भाई जिसको जिसके पास है पोलो वही बोल सकते हैं कि पोलो क्या गाड़ी है। मैं बहुत मतलब बहुत खुश हूँ कसम से बोल रहा हूँ, बहुत मेरे को क्या बोलूँ, आने के टाइम बहुत मेरे को रुलाया है ये, फिर भी मैंने ठीक किया गाड़ी। उसके बाद अभी मक्खन चल रहा है, बहुत चलाया मैंने, मस्त बहुत चलाया गाड़ी को, मस्त चलता है। इसका हैंडलिंग है ना भाई, कोई गाड़ी नहीं दे सकता इसका, इतना अच्छा हैंडलिंग इसका है, और गाड़ी का बॉडी रोल एकदम नहीं है, कट कुट मार लो। दूसरा गाड़ी का क्या होता है, अगर आप स्पीड में थोड़ा सा ऐसे कर दिए ना तो पूरा गाड़ी ऐसे हिलता रहता है, पर इसमें वैसा कुछ नहीं, गाड़ी आप चलाओगे आपको फील होगा कि हाँ गाड़ी है ये। और पावर एक बार मैं फंस चुका था, ठीक है स्लाइसी टाइप था, तो मैं ऐसे जंगल में घुसाया, ज़्यादातर मैं जिधर वीडियो शूट करता हूँ घुसाया, और गाड़ी दो चक्का स्पिन,
अचानक फिर से मैं थोड़ा सा RPM ज़्यादा देखे फास्ट गियर में खींचा, गाड़ी देखा आराम से स्मूथली उठ गया। और अभी टायर वगैरह मैंने चेंज कर दिया गाड़ी का, तो प्रॉब्लम भी अभी कुछ नहीं है। अगर चला हो गया आके ना तो पता चलेगा कि ये गाड़ी क्या गाड़ी है, ठीक है। बॉडी पे मत जाओ इसका, क्योंकि बॉडी का खर्चा कितना हुआ, हार्डली 30,000 में पूरा गाड़ी सर्विस कंडीशन कर देता है। मैं इतने सब सोचा, उसके बाद मेरे को ये भी पता था कि देखो इसका पार्ट्स का प्राइस बहुत है। सुजुकी का अगर 2,000 हो तो फिर ये 4,000 का होता है पार्ट्स प्राइस। और इसमें भाई गाड़ी पूरा मतलब अंदर से देखो या फिर इंजन एकदम मक्खन है, मक्खन की तरह चलता है इंजन। समझ जाओ मैं क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ। और बाकी भाई डिसअपॉइंट होने का बात नहीं है कि ये प्रॉब्लम है वगैरह, प्रॉब्लम अभी गाड़ी में कुछ भी नहीं है। जब आएगा आप लोग के साथ शेयर तो मैं करूँगा ही। मेरे को पापा बोल रहा था एल्ट्रोस लेने के लिए, पर भाई देखो मेरे को नया गाड़ी लेना नहीं था। और गाड़ी जब मेरे को बोला पापा हाँ ले लो, तो मेरे को सडन दिमाग में आया कि मैं पोलो देखा था, पोलो ही चाहिए, जितना खर्चा करवाए जो करवाए मेरे को पोलो ही चाहिए। तो ये था मेरा और पोलो का कहानी, मेरी ज़ुबानी। और आप सुने कि मैंने क्यों पोलो लिया। पोलो मेरा क्रश है भाई, जिसको थ्रॉटल में जब पैर दबाऊंगा ना एंड, पूरा एंड, क्या भागता है। एसी वगैरह सब चील्ड एकदम। 10 साल का गाड़ी हो चुका, मतलब 2010 का मॉडल गाड़ी हो चुका, कंफर्ट लाइन है ये। बिल्ड क्वालिटी देखोगे, देख रहे हो कोई गाड़ी, बिल्ड क्वालिटी देखो, फील होता है भाई गाड़ी एक बना है। थोड़ा सा अंदर वगैरह क्लीन कर लेंगे, सीट कवर चेंज कर देंगे, गाड़ी पूरा झकास, क्या बोलते पब्लिक। और तुम्हारे भाई एक कवर न्यू लिया है, MID। मैं खुश हूँ भाई, कसम से बोलूँगा। ठीक है चलो वीडियो यहीं पर था, बंद करते वीडियो को, मिलते हैं हम दूसरे की वीडियो के साथ, क्योंकि बहुत गर्मी है, एसी ऑफ कर दिया। मैं अभी जाऊँगा मिदनापुर। ठीक है भाई लोग, ये था वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं दूसरे एक दिन दूसरे की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।